स्ट्रोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट के अंदर हमने क्या किया था, फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्टील बॉल, इंडिया नहीं है, इन डायामीटर है, 2 mm इन डायामीटर, वो इकट्ठा हो गया, तो 2 mm इन डायामीटर है, मतलब रेडियस बॉल का 1 mm है। फॉलिंग इन अ ग्लिसरीन, तो लिक्विड जिसमें गिर रहा है वो ग्लिसरीन है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्टील पता है और ग्लिसरीन भी पता है और विस्कोसिटी भी पता है। तो सबसे पहले आपको इस बॉल का क्या पता है, रेडियस पता है, स्टील की रिलेटिव डेंसिटी पता है, पानी की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके स्टील की डेंसिटी, ऐसी किसकी डेंसिटी, ग्लिसरीन की डेंसिटी निकाल लें। ईटा की वैल्यू आपको पता है, पॉइस पॉइस है तो सीजीएस है, तो सब कुछ सीजीएस कर लिया मैंने। टर्मिनल वेलोसिटी यूज करने का क्या टेक्निक बताई थी, जो पहली डेंसिटी उसकी लेनी है जो कि गिर रही है बॉडी, कौन गिर रहा है, स्टील, और किस में गिर रहा है, ग्लिसरीन, तो मीडियम की डेंसिटी पीछे आएगी। तो तुम्हें इस क्वेश्चन में आर पता है, जी पता है, स्टील और ग्लास की डेंसिटी पता है और ईटा भी पता है। आंसर कैसे लगाना है, फॉर्मूला क्लियर है? ठीक। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में गैस बबल ऑफ डायमीटर 2 cm राइजेस स्टेडली एट अ रेट ऑफ 25 mm पर सेकेंड, तो डायमीटर है तो रेडियस निकालना मैंने, किसका, गैस बबल का रेडियस आ गया। वेलोसिटी टर्मिनल निकाल ली सेंटीमीटर पर सेकेंड में, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे दी, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड निकालनी है, डेंसिटी ऑफ द गैस कह रहा छोड़ दो। इसके अंदर दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली, सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि इसमें जो बॉल है वो किसकी बनी हुई है या स्फेयर किसका बना हुआ है, गैस का, गैस है, और गैस और मीडियम बाहर क्या है, वाटर है, लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, तो लिक्विड की क्या निकालनी है आपको, आपको निकालना है इसमें कैलकुलेट कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। आपको इसमें लिक्विड की डेंसिटी ऑलरेडी गिवन है। जब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो पहले क्या आएगा, गैस, क्योंकि बबल किसका बना हुआ है, गैस का, और मीडियम क्या है, सॉल्यूशन, लिक्विड मतलब सॉल्यूशन, तो डेंसिटी पुट करनी आ रही है, और ये टर्मिनल का फॉर्मूला है। दूसरी प्रॉब्लम ये है, इसके अंदर जो हमने थ्योरी की उसमें स्फेयर हमेशा डूबता है, नीचे गिरता है, इसमें ये बबल कहाँ आ रहा है, राइज कर रहा है, ऊपर है, और वो ये भी कह रहा है कि तुम इसमें डेंसिटी ऑफ गैस को छोड़ दो। तो जैसे ही मैंने गैस की डेंसिटी को छोड़ दिया, जीरो कर दिया, आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, तो यहाँ टर्मिनल के आगे -2.5 है, क्योंकि नॉर्मली जो एक्सप्रेशन में टर्मिनल वेलोसिटी नीचे होती है तो पॉजिटिव, ऊपर जाती है तो क्या पुट करना है, नेगेटिव, तभी जाके एडजस्टमेंट होगी माइनस माइनस की। तो यहाँ से सॉल्व करके क्या जाएगा, ईटा जाएगा आंसर, क्योंकि ईटा तो नेगेटिव आता नहीं ना, तो माइनस का क्या जवाब दूंगा, माइनस का यही जवाब है कि वो फॉल नहीं कर रहा, वो राइज कर रहा है, तो डायरेक्शन वेलोसिटी की चेंज है तो माइनस लगा देंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, कोई डाउट इसमें? जैसे ड्रॉप ऑफ वाटर फॉलिंग इन एयर, तो पहली डेंसिटी वाटर की, दूसरी डेंसिटी एयर की, और वो कह रहा है कि निगलेक्ट द डेंसिटी ऑफ एयर, तो इसको उठा के जीरो कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक। जैसे टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ कॉपर बॉल फॉलिंग थ्रू अ टैंक ऑफ ऑयल, तो कौन गिर रहा है, कॉपर, किसमें गिर रहा है, ऑयल में, तो लगा लेना फॉर्मूला, उसके बाद सब कुछ गिवन ही है, तो मैं डेंसिटी डेंसिटी सब कुछ गिवन है, कुछ करना ही नहीं, फॉर्मूला लगाने आंसर। स्फेरिकल ग्लास बॉल, एक क्या है, ग्लास की बॉल है, तो कौन गिर रहा है, ग्लास बॉल, जिसका मास तुम्हें गिवन है और डायमीटर गिवन है, तो रेडियस भी गिवन है, और तुम्हें रेडियस गिवन है तो बॉल का वॉल्यूम भी गिवन है, वॉल्यूम आर की वैल्यू पुट करके वॉल्यूम आ गया, तुम्हें इस ग्लास का वॉल्यूम पता है, मास पता है, तो समझो तुम्हें क्या पता है, डेंसिटी भी पता है, तो ग्लास की डेंसिटी आ गई। तो इंस्टेड कि वो सीधा डेंसिटी दे ग्लास की, तुम्हें डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। फिर वो कह रहा है ये ग्लास बॉल 0.381 मीटर गिर रहा है, कितने समय में गिर रहा है, 6.4 सेकेंड में गिर रहा है, तो तुम टर्मिनल वेलोसिटी निकाल लो डिस्टेंस बाय टाइम, क्योंकि टर्मिनल तो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, तो इतना डिस्टेंस इतने टाइम में गिर रहा है, तो जो वेलोसिटी आएगी उसका नाम क्या है, टर्मिनल। अब तुम्हारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, ग्लास का स्फेयर गिर रहा है, ऑयल में गिर रहा है, तो फॉर्मूला बन गया, टर्मिनल तुमने यहां से निकाल ली, डेंसिटी ग्लास की तुम्हें पता है,
ऑयल की डेंसिटी तुम्हें पता है, और तुम्हें क्या निकालना है, ईटा निकालना है, निकाल लेना ईटा। मैंने सॉल्व नहीं किया लेकिन मेथड बता दिया कि ये मेथड रहेगा। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो तुम्हें डेंसिटी चाहिए होंगी, तो मैं एक डेंसिटी तो पता है और दूसरी डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम से आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है? और टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम से जो स्पीड आएगी वो टर्मिनल कहलाएगी। कोई डाउट इसमें? हो गया था ये क्वेश्चन? कितना हो गया था? समझ में आ रहा है क्या लॉजिक है इसमें? नेक्स्ट है, ये हमने किया भी था रेन ड्रॉप्स वाला, वो लास्ट टाइम की, अगर वो 8 रेन ड्रॉप्स हैं कंबाइन हो जाएं, इसमें 8 की जगह 2 कर दिया, तो रेन ड्रॉप के टर्मिनल रेडियस के डिपेंडेंट है, क्योंकि दो ड्रॉप्स कंबाइन होकर बड़ा ड्रॉप बन गए तो वॉल्यूम इक्वेट करके बड़े का रेडियस निकाल लेना। तो छोटे ड्रॉप के टर्मिनल छोटे के रेडियस पर डिपेंडेंट है और बड़े ड्रॉप की बड़े पे डिवाइड करके निकाल लेना। ये तो हमने लास्ट टाइम किया था आंसर, ठीक? तो ये रिपीट क्वेश्चन है लास्ट टाइम वाला।